प्रताप जी और उनकी पत्नी दुलारी जी अपने छोटे बेटे विनय और उसकी पत्नी महक के साथ चेन्नई में रहते थे। पहले वह गांव में मजदूरी का काम करते थे। उनके पिताजी ने अपनी माँ की बीमारी के समय घर गिरवी रख दिया था और कर्ज भी नहीं चुका पाए थे, तो वो लोग किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए थे। प्रताप जी ने बहुत मेहनत करके अपने दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई करवाई। फिर दोनों बेटे अलग अलग शहरों में काम करने के लिए चले गए। समय आने पर उन्होंने अपने बड़े बेटे कुणाल की शादी रुक्मिणी से करवाई और विनय की शादी महक से करवाई। शुरुआत में तो प्रताप जी अपनी पत्नी के साथ गांव में ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो दोनों बुजुर्ग हो गए तो छोटा बेटा विनय उन्हें अपने साथ चेन्नई लेकर चला गया। उनका बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ हैदराबाद में रहता था और छुट्टियों में कभी कभार चेन्नई भी चला आया करता था। इस तरह से मिलना भी हो जाता था और उन लोगों का घूमना भी हो जाता था। कुछ दिनों से प्रताप जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, तो फिलहाल वो ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहा करते थे। लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक थी तो वो पड़ोस में ही अपने दोस्त के घर चले गए थे। रात हो चुकी थी और प्रताप जी अपने दोस्त के घर बैठकर ताश खेल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें जरा देर हो गई। जब वो घर पहुंचे तो उनकी बहू मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। ससुर जी को देखते ही वो बोल पड़ी, पापा जी इतनी देर रात तक कहाँ रह गए थे आप? अरे आपको तो और कोई काम नहीं है? लेकिन मुझे तो हजार तरह के काम होते हैं, मैं दिन भर काम कर करके थक जाती हूँ। सोचती हूँ कि रात को जल्दी डिनर हो जाएगा तो मैं भी आराम से सोने के लिए चली जाऊंगी। प्रताप जी भी भड़क गए और कहने लगे, तो तुमने खाना खा क्यों नहीं लिया? मेरा इंतजार करने के लिए किसने कहा है तुमसे? महक कहने लगी, खाना तो मैं खा चुकी हूँ, लेकिन आपको भी तो खाना खिलाना पड़ेगा ना। प्रताप जी कहने लगे, मुझे खाना खिलाने के लिए मेरी पत्नी है ना, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? महक ने कहा, शायद आपको पता नहीं है, मम्मी जी के सिर में दर्द हो रहा था तो खाना खाने के बाद वो दवाई लेकर आराम कर रही हैं। बात मेरी या उनकी नहीं है, बात यह है कि आप समय से खाना क्यों नहीं खा लेते हैं? उसके बाद अपने दोस्त के घर बैठे रहिए। बहू को इतना पटर पटर बोलते देखकर प्रताप जी कहने लगे, सच में आजकल की बहुओं की आंखों का शर्म तो खत्म ही हो चुका है। भला ससुर से कोई ऐसे बदतमीजी से बात करता है क्या? यह बात सुनकर महक को बहुत बुरा लगा और वह गुस्से में पैर पटकते हुए रसोई में गई और उसने खाना परोसकर लाकर रख दिया और अपने कमरे में चली गई। प्रताप जी को भी बहुत तेज गुस्सा आया। वह तुरंत ही अपने कमरे में गए तो उन्होंने देखा उनकी पत्नी दुलारी पलंग पर लेटी हुई थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, बहू को तो बात करने की तमीज नहीं है, सुना तुमने? कैसे मुझे डांट रही थी, जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो मुझसे इस लहजे में बात कर रही है। तुम भी तो उसकी कितनी सारी शिकायतें लेकर बैठ जाती थी, आज मुझे सब समझ में आ गया कि ये कैसी है। दुलारी जी उन्हें समझाते हुए कहने लगी, जाने दीजिए, पहले मैं भी बहू को गलत समझती थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उसने मुझे आराम करने के लिए कह दिया। वो दिल की बिल्कुल भी बुरी नहीं है, और वैसे भी बात तो ठीक है ना, आप समय से खाना खाते क्यों नहीं है? प्रताप जी गुस्से में बोले, बस बहुत हुआ, बहू को क्या लगता है कि मेरा कोई और ठिकाना नहीं है? हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं और बच्चों के साथ रहने के लिए चले आए हैं, तो क्या वो हम लोगों से किसी भी तरह से बात कर लेगी? तुम एक काम करो, बड़ी बहू से बात करो और उसे कहो कि हम उसके साथ रहना चाहते हैं। दुलारी जी मना करने लगी, लेकिन प्रताप जी को खुद ये बात कहने में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो बार बार दुलारी जी से जिद करने लगे। रोज रोज वो कहते कि तुम बड़े बेटे से बात करो। आखिरकार पति की जिद के आगे थक हार कर उन्होंने बड़े बेटे के पास फोन लगाया और उससे कह दिया कि हम दोनों कुछ दिनों तक तुम्हारे पास आकर भी रहना चाहते हैं। इस बार छुट्टियों में घर आना तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब बेटा भला क्या कहता, उसने सहमति दे दी तो प्रताप जी बड़े खुश हो गए कि अब वो बड़े बेटे बहू के पास रहने के लिए जाएंगे। उनकी बड़ी बहू जब भी फोन करती थी तो बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, तो प्रताप जी को लगता था कि वह दिल से उनका सम्मान करती है। वहीं छोटी बहू जिसके साथ वो रह रहे थे उससे जरा से भी नोकझोंक हो जाती थी तो उन्हें लगता था कि छोटी बहू दिल से उनका सम्मान नहीं करती है। वैसे भी इधर कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वह वैसे भी चिड़चिड़े से हो गए थे। बहू अगर कोई सही बात भी उनके स्वास्थ्य को लेकर कह देती थी तो उन्हें बड़ा बुरा लगता था कि बहू उन पर बहुत रोक टोक लगाती रहती है। गर्मी की छुट्टियों में बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ छोटे भाई के घर आया। प्रताप जी बड़े खुश हुए कि इस बार तो बड़े बेटे के घर जाकर ही रहूंगा। वो खुशी खुशी रोज बैठकर प्लानिंग करते थे कि कौन कौन से कपड़े वहां पर लेकर जाने हैं। बाजार से वह कुछ और जरूरत का सामान भी खरीद रहे थे और बड़े उत्साह के साथ वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें छोटा बेटा हॉस्पिटल लेकर गया। यह सब देखकर बड़ी बहू का मुंह उतर गया था। उस दिन रात को प्रताप जी को गैस हो गई थी तो वह टहलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि छोटे बेटे बहू के रूम में लाइट जल रही थी और उसी रूम से बड़े बेटे बहू के चिल्ला चिल्लाकर बात करने की आवाज भी आ रही थी। उन्होंने गौर से सुना तो बड़ा बेटा कह रहा था, देख छोटे, तू कम से कम पापा को अपने साथ रख, माँ को हम लेकर जाते हैं। मैं मानता हूँ कि बुजुर्गों को साथ रखना बहुत भारी काम है, तो मैं तेरा आधा भार बांटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं दोनों को साथ में लेकर नहीं जा सकता। उसकी पत्नी रुक्मिणी भी बोल पड़ी, और नहीं तो क्या, ऊपर से ससुर जी तो बीमार रहते हैं, हम केवल सासू माँ को शहर लेकर जाएंगे।
सास घर के कामों में हाथ बटाएगी, ससुर जी किस काम के हैं, ये तो बस खर्चा ही बढ़ाएंगे। बेटे बहू की ये सौदेबाजी देखकर प्रताप जी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी से दूर रहने की कल्पना से ही कांप उठे। उन्होंने तो सोचा था कि बड़ी बहू इतनी मीठी मीठी बातें करती है तो उनका बुढ़ापा उसके साथ ज्यादा सुखमय बन जाएगा, लेकिन आज उन लोगों की बातें सुनकर प्रताप जी को खुद की सोच पर ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर उनके छोटे बेटे विनय की पत्नी का स्वर गूंजा, दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वह दोनों पति पत्नी हैं, हम उन दोनों को अलग अलग रखने का पाप कैसे कर सकते हैं? आप अपने पति के बिना कितने दिनों तक रह सकती हैं? वैसे भी बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे की ज्यादा जरूरत होती है। जवानी में कोई जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह भी लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में मम्मी पापा का एक दूसरे के बिना मन कहाँ लगेगा? आप अगर उन दोनों को एक साथ नहीं रख सकती हैं तो उन दोनों को प्लीज यहीं पर रहने दीजिए, आप किसी को भी साथ लेकर मत जाइए। रुक्मिणी कहने लगी, अरे तो उन्हें लेकर जाने का शौक किसे है? वह तो मम्मी जी ही पीछे पड़ गई थी कि उन्हें हमारे पास आना है, इसलिए इस बार हमने सोचा कि हम उन्हें लेकर कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं, लेकिन पापा जी को लेकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। प्रताप जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज एक बहुत बड़े भ्रम का समापन हो चुका था। उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और वह सोच रहे थे कि जहाँ चार बर्तन रहते हैं वहाँ आवाज तो होती ही है, लेकिन समय आने पर वही बर्तन तो काम देते हैं। दूर बैठकर मीठी मीठी बातें करना आसान होता है और साथ रहकर जिम्मेदारी उठाना अलग बात होती है। प्रताप जी को और कुछ सुनने की जरूरत नहीं रह गई थी। बहू के बीच की बातचीत को उन्होंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया और चुपचाप अपने कमरे में वापस चले आए। कमरे में आते ही उन्होंने दुलारी जी का हाथ थामते हुए कहा, सुनिए आप ठीक कहती थी, मैं ही ज्यादा गुस्सेल हो गया हूँ और छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता हूँ। बहू अगर गुस्से में थोड़ा डांट भी देती है तो उस गुस्से में भी उसका प्यार छुपा होता है, लेकिन मैंने इस बात को अपने स्वाभिमान पर ले लिया और यहाँ से जाने की जिद पकड़ बैठा, और आप बड़ी बहू को मना कर दीजिएगा कि हमें उसके साथ नहीं जाना है। दुलारी जी हैरानी से बोली, आप तो बड़ी बहू के गुनगाते नहीं थकते थे, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? अच्छा मौका है, इसी बहाने उसके पास जाकर घूम आते हैं। अब प्रताप जी से रहा नहीं गया, वह बोल पड़े, बड़ी बहू चाहती है कि वह सिर्फ तुम्हें लेकर जाए ताकि वह तुमसे घर के काम करवाए, और मुझे लेकर नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं बीमार रहता हूँ, मेरा खर्च उसे बोझ लगता है। इससे ज्यादा कुछ और सुनने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, और ना ही इससे ज्यादा हमें कुछ और जानने की जरूरत है। अब तुम फैसला कर लो कि आगे तुम्हें क्या करना है। दुलारी जी को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, यह तो बहू की सोच होगी, लेकिन कुणाल तो हमारे बारे में सोचेगा ना? प्रताप जी ने दुखी स्वर में कहा, इसी बात का तो दुख है कि बेटा भी उसी की हाँ में हाँ मिला रहा था। वहीं विनय और महक तो चाहते ही नहीं है कि हम यहाँ से जाएं, और न ही ये चाहते हैं कि हमें कोई अलग अलग रखे। कहते कहते उनकी आंखों में जल छलक आया। दुलारी जी की आंखों से भी आंसू बहते जा रहे थे। उन्हें बड़े बेटे बहू की बातें जानने के बाद दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन उनके मन में राहत थी कि कम से कम छोटे बेटे और बहू के मन में उनके लिए आज भी सम्मान जीवित है, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह भी छोटे बेटे और बहू की बातों का कभी भी बुरा नहीं मानेंगी, क्योंकि वह समझ गई थी कि अक्सर साथ रहने पर थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हो ही जाती है, लेकिन जो साथ रहता है काम तो वही आता है, और दूर बैठकर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग जिम्मेदारी निभाने के समय सबसे पीछे खड़े नजर आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।